अब तक आपने देखा जो तितली है ना, हमारे राम भाई साहब की घड़ी समझदार छोरी है। मैं तितली हूँ, पर यह कौन सी तितली है जो मेरे नाम से उड़ रही है? बहन जी, अब कौन और किससे मिलना? ना जी ना, मैंने किसे तो नहीं मिलना, किसी और पते पे जाना था, गलती पे अड़े आ गई। आज मैं शॉपिंग गई थी ना प्रज्ञा बरदान के नए घर के लिए, सारा सामान लाई हूँ। और छोरी कौन सा जो मारे नाम थे इलाहाबाद निवास में जा रही? मैंने पता लगाना होगा कि उसका मकसद क्या है। कल इलाहाबाद निवास जाऊंगी और इसकी खोज खबर लेंगी। अब आगे बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने घर में काम किया से। कोमल बेटा, अब तो वो घर बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। पता है ताऊ जी, मैंने उनके घर के लिए सारे सामान की खरीदारी भी कर दी। अब तो बस उम्मीद है कि प्रज्ञा बरदान को दोनों को वो सामान अच्छा लगे। कोई क्यों अच्छा नहीं लगेगा, है? इतने प्यार से तूने खरीदा है तो अच्छा तो लगना चाहिए। और हाँ, एक बात और, भाई साहब और मैंने सोचा है कि ये बच्चों की चित्रकला की प्रतियोगिता के बाद प्रज्ञा और वरदान को हम लोग मिलके ये प्राइज दे देंगे। मैंने तो घड़ी खुशी हो रही है उन दोनों के लिए। अब ज्यादा दिन ना बचे, बहुत ही जल्द प्रज्ञा और वरदान दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जानू मैं कि तू इस रिश्ते में खुश ना सा। प्रज्ञा, इसीलिए मैं थारी मदद कर रहा हूँ। आज मैं तेरे से ना एक बहुत जरूरी सवाल पूछने आया। तूने वो सोचा से कि वरदान से अलग होने के बाद तू क्या करेगी? क्योंकि माँ और बाबूजी को मनाना इस बात को लेकर कि तू अपने पति से अलग होना चाहती से और सान कामना से, उसके बाद जो लोगों के सवालों का बांध हमारी ओर आएगा ना, उसका तो छोड़ो। प्रज्ञा, इसलिए ना हमें सब अच्छे से पता होना चाहिए ताकि जब बाहर के लोग हमसे सवाल करें ना, हम उनके सवालों का जवाब दे पाए। बता प्रज्ञा। तेजी बन के आज मैं लाखा से मिला था और मैंने सब कुछ साफ साफ बोल दिया उन्हें। मैंने तो अपने दिल की सारी बात उनको साफ साफ बता दी और उन्होंने भी मेरे पे यकीन कर लिया। भाई, मैं आपसे कुछ छुपाना ना चाहे हूँ, एक सच है जो मैं आपने बताना चाहे हूँ। मैं आज भी अपने पहले प्यार से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं उनका नाम ना बता सकती आपने, क्योंकि हमारे संग जो भी हुआ ना पहले, उसके लिए आप भी उनसे नफरत करते हो। आज भी हमारे दिलो दिमाग में ना बस वही छाए हुए और हमेशा छाए रहेंगे। मैंने तो उनको माफ कर दिया। तो क्या तेजी की बात कर रही है? तो ठीक, बस मैं यही सुनना चाहता था। एक तो चिंता ना कर, तेरा भाई तेरे साथ। पर माँ, बाबूजी, बाकी घर वाले, ये सब, तुम सबकी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। बस अब तू रोना बंद कर। हम भी रोजाना दौड़ लगावेंगे। हाँ, ताकि हम भी आपके तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सके। चलो, बहुत अच्छी बात है, साथ में दौड़ लगाते। चल। क्यों हुआ राधा? दीदी कुछ चुभ गया। अरे, यू तो चुभना ही था, तेरे जूते जो फटे हुए। लो, तुम्हारे भी जूते फटे हुए हैं।
उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली रे बाबी मारा पानी दिए मुंह धोते अगर आपने मेरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त बनना है ना तो यो चुपचाप रख लो और नए जूते खरीद लो यो तो भाई सर्व गुण संपन्न बहु बड़ो बहु लागे से छोरिया ने जबरदस्ती पीछे क्यों देख के जा रही है अरे कमला माँ जी भाभी जाओ इतना ना तड़पाओ मैंने अपना खेल शुरू करना से लो भाई बकत काट काट के मैं हैरान हुई जा रही थी और आई भी कौन चलो कोई ना बड़ी मछली ना सही तो छोटी सही यो फंस गई तो बड़ी वाली को खुद बखुद खींच लावेगी हाँ हाँ सुनार जी मैंने वो नए डिजाइन के गहने चाहिए वो के है ना मारे ब्याह की बात चल रही से तो मैं तो नए डिजाइन के गहने पहनूंगी हाँ सुनार जी मैंने पता है मैंने जब भी आपके साथ गहनों की अदला बदली की से ना तो मैंने खरा सोने के बदले खरा सोना ही मिला है और आपके वो बॉलीवुड हीरोइनों के गहनों के जैसे डिजाइन आहा मैंने पता से पूरे हरियाणा में वो कहीं और ना मिले जी जी फिर तो ठीक से जी तो मैं सारे के सारे गहने आपके पास ले आऊंगी जी तितली पर भी मैं बिना वजह भड़क गई थी अब कैसे बात करूं इसे तितली अरे तितली की काम से तितली सुनना सुनार जी मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ जी 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 के बात सर तितली लागे से पिछली बात को लेके तू अभी भी नाराज से सुनना उस टाइम महारा माथा जरा गरम था तो बस मैं चिल्ला बैठी बात को तो बहुत टाइम हो गया से ना एक जान भी दे मैंने माफ कर देना प्लीज ठीक है बाप कहो तो मैंने आपको माफ किया सच्ची हाँ सुनना मारे को थारे से एक छोटी सी बात पूछनी थी बोलो वो तू ये भी जो सुनार से बात कर रही थी ना हाँ वो सच्ची में थारे लिए मुंबई से गहना मंगवाए से होर के उसी से तो नए नए डिजाइन के गहने मंगवा के मैं हमेशा पहनती हूँ हाँ हाँ पहननी भी चाहिए थारी साथी चहोने वाली से ब्याह भले ही हो गया हो मारा पर गहने तो मन ने भी लेटेस्ट डिजाइन के ही चाहिए हम बे इतनी भी के जिद है नए गहनों की अरे जो तेरे पास दे रहे हैं वो पहन लेना अरे माँ जी पुराने गहने देके नए गहने लेने में के हर्ज मेरे ते तू बहस ना करे तने कुछ नहीं बेरा है आजकल के सुनार मारे गहने में ते मारे सामने सोना काट ले है किसी ने बेरा भी नहीं लागता पर माँ जी बस रहन दे मने कुछ नहीं सुनना मेरे बना करने पे तने घना गुस्सा आ रहा है ना तो जा पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पूट दे के देखो मेरी सास
मने नए डिजाइन के गहने कौन पहरन देती बोल दे सबने जा बोलना नीचे सीधा चक्कर देते नहीं देना चाहिए था केवड़ बढ़ा रही है तू अरे माँ जी कुछ ना बड़बड़ा रही हूँ मैं तो बस यो कह रही हूँ कि तितली ना सुनार को जानती से तो क्यों ना हम लोग एक बार तितली से पूछ लेते पता है मैंने सब बोले कि हमारी जुबान पे माँ सरस्वती का वास है मैं जो भी कहूँ ना वो सब सच हो जावे वैसे भी माँ जी जहाँ पे माँ सरस्वती होए ना वहीं पे तो माँ लक्ष्मी का वास होए ना माँ जी अरे बावली बल्लो तने मैंने पहले क्यों नहीं बताया था कि यो बात तने तितली ने बताई है हाँ सच्ची माँ जी मैं एक काम करती हूँ मैं इभी जाके तितली ने पूछती सु और अपने सारे गहने ना उसे दे देती सु ठीक से हम तो अरे थम जा राजधानी मैं न्यू बोल रही थी मेरे जो गहने हैं ना ये पुराने हो गए हैं और टूट भी गए हैं तो मैंने सोच रही थी कि अरे आपने बिल्कुल सही सोचा माँ जी इब ना आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना कीजिए और चलिए हमारे साथ तितली के पास देख छोरी ये मारे गहने हैं गहने ये मारे दर पिड्डी चले आ रहे हैं कतई सोने के हैं प्योर सोने के ठीक से मैं पिंकी तेरे साथ चलेंगे तारे सुनार की दुकान पे जिसका इतना नाम हो रहा है इतनी तारीफ हो रही है अरे माँ जी मने पता नहीं क्यों लग रहा से कि आपके ऊपर से कल वाला बुरा साया अभी तक ना उतरा से कहीं ऐसा ना हो कि आप बाहर निकलो और अपने गहनों से हाथ धो बैठो मने ना देना से मारा गहना ना ना छोरी इसी बात ना मने भरोसा है तू सारे गहने ले जा पर हाँ एक बात ध्यान दे कि अपने सुनार की दुकान पे बैठ के और कतई अपने सामने तुलवाइए एक रत्ती भी कम ना हो ना ना माँ जी यो नहीं हो सकता हम बे भला कैसे ना हो पावेगा माँ जी आप मारी बात का बुरा ना मानना भगवान ना करे कल कुछ ऊंच नीच होगी आप तो मारी गर्दन पकड़ोगी ना और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मारे गहनों का डिजाइन गली गली में घूमता फिरे इब सब लोग मारे जैसे गहने पहनने लग गए तो मारे गहनों में क्या खासियत रहेगी जो तने ऐसा लग रहा है तो जान दे छोरी ऐसा है मेरा एक वसूल है जो एक बार मेरी बात नहीं मानता ना मैं उसे दोबारा कोनिया बताती जान दे मैं अपने गहने ना लेकर जा रही और एक बार बोल के देखिए ना ऐसे कैसे जा रहे हो आप ये वो नाटक जरूरत से ज्यादा हो गया जल्दी से कुछ करना पड़ेगा नना माँ जी अब मन इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ पक्की बात सच छोरी 100% वैसे माँ जी मैं आपका काम कर ही रही हूँ तो पूरा ही कर देती हूँ आपके घर में जितने भी चांदी के बर्तन से ना जो काले हो गए वो सब आप ले आना वापस आते हुए सारे के सारे बदल लाऊंगी पर माँ जी आप एक बार मालती माँ जी और बड़ों से भी पूछ लेना वरना आप रहने दो हम बे ऐसा कैसा छोड़ दूँ मैं इस घर में नंबर वन मतलब मैं इस घर में नंबर वन बॉस हूँ मेरी इस घर में चलती आई है रस्सी जड़ जागी पर बल को ना जाएंगे मने इजाजत
मतलब हुक्म दिया है? फिर तने किसी तक पूछने की क्या जरूरत है? तू सारे गहने लेकर जा, सारे बर्तन बदल के ले। ले। जा फटाफट, इब देर मत कर। पिंकी तू मेरे साथ चल, आज बालक भी आते होंगे, उनका पेंटिंग बनाने का मुकाबला से। चल। नंबर वन बहू, इस शब्द खरे सोने की बात ही कुछ और होवे से। इसकी खासियत तब बढ़ जावे जब यो खुद चल के झोली में आ गिरे। इब्यो सास बहू तो अपना सुनहरा भविष्य मारे मत्थे रग्गी से। अम्मा ने किसी तरह पूरे के पूरे खानदान को इस पेंटिंग प्रतियोगिता में बिजी करना है, ताकि मैं मालती माजी और बड़ों के सारे गहने साफ कर सकूं और उन गहनों को ले उड़ू। काम करूंगी मैं, और नाम आएगा तितली का। इस बार की तैयारी देखकर और स्कॉलरशिप का सुनकर तो बच्चों को कला के लिए घना ही प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों बड़ो? बस ये सारी तैयारियां और ये सारा प्रोग्राम शांति से निपट जाए। माँ जी, कार्यक्रम अच्छे से तो जरूर होगा, पर शांति पूर्वक की कोई गारंटी ना है। आप तो जानते हो, बच्चे और शांति। सही कह रही है, बच्चे हैं भाई, शांति पूर्वक कैसे होगा? अरे घबरा क्यों रहे हो, बाल गाना तो मैं न्यो चुप कर दूंगी। अम्बा सुनो बच्चों, इब जो बच्चा सबसे चुप रहेगा उससे सबसे बढ़िया इनाम मिलेगा। लो हो गए चुप, अब दो इनाम। ऐसे ही थोड़ी, पहले आप सब ने चुपचाप बैठ के चित्रकारी करनी होगी, फिर सबसे अच्छी चित्रकारी ने इनाम मिलेगा। बस चुप हो जाओ इब, बहुत हाँ हाँ होली, बैठ जाओ आप अपनी जगह। ओ देखो गुरुजी आ गए, प्रणाम करो। राम राम जी। आई। चलो बच्चों बैठो 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 अपनी जगह पे सब। वाकई स्कूल की हालत घनी खराब है, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। मारे रघु ने तो स्कूल के बारे में घना सोच रखा है, पर वो अपने अखाड़े में लगा है। आप लोग चाय पानी पीजिए, तब तक रघु भी आ जाएगा। चलो भाई बस आज के लिए इतना ही काफी, और ध्यान रखना कि ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करनी होगी तुम दोनों को, और रोज 10% मेहनत बढ़ानी होगी, तब जाके कुछ हो सके से। बाबूजी, आपने अंदर बुलाया जा रहा है। मारे को? तू चल, मैं आता हूँ। जी। बाबूजी, आप सब चलिए, मैं विस्मान दर के आता हूँ। ठीक से। जरा इलाहाबाद निवास चल के देखू तो सही, कि वह बहरूपिया छोरी केगुल खिलाड़ी से आखिर मंशा कैसे उसकी। यार आजकल न्यू कबूतरों को जगह ना मिलने से, क्या घूमने फिरने के हमारे सिरसा में आ टपके से।
आंखें खोल के देख, ये कबूतर ना कबूतरी से चोरी लागे से यो मन ने बावला है के ध्यान से देख तोरा है ये पर है घने गुस्से वाली देख तो सही कैसे देख रही है यो मन ने पर तो चाल ढाल से मन ने मर्दाना लागे ये तो चिट्ठियां कलाइयां तो देख लागे किसी नाजुक गुड़िया की कलाई है तू कहे तो पकड़ लूं इसकी कलाई मन ने पकड़ने दे जा भाई तेरा अंदाजा तो सही था यार जेट तो छोरी से इतनी और बता दे कि लात किसी मारू सो छोरों जिसी के छोरियों जिसी खैर देख लात तो लात हुए से ना फिर ते छोरों की हो के छोरियों की तवे तो एक और दिखा दू ना ना दीदी मने ना देखनी ना रुकना दीदी मिस्टेक हो गया दीदी ना ना दीदी कसम से दीदी पहचानने में मिस्टेक हो गया हमारे से दीदी आइंदा नहीं होगा दीदी ऐसा दीदी इसा हाल करूंगी तेरे घर वाले ना पहचान पाओगे ना मैं जान लेके मारेगी के अरे यूं तो बता दे भाग जल्दी इसा खोल लूं सर Thank you.